नमस्कार, खबर गांव शहर बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी, और चलिए देखते हैं गांव से लेकर शहर तक की हर एक बड़ी खबर फटाफट अंदाज में। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा मंगलवार को 32 लाख के पार हो गया। अब तक 32,34,475 लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे के अंदर 67,151 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा जानकारी के मुताबिक देश में अब तक कोरोना के 32,34,475 कंफर्म केस हो चुके हैं। इनमें से 7,07,267 एक्टिव केस है। कोरोना से अब तक 24,67,759 लोग रिकवर भी हुए। अब तक 59,449 मरीजों की जान भी जा चुकी है। देश में कोरोना से मृत्यु दर और एक्टिव केस रेट दर में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। राजस्थान में जारी झमाझम बारिश के बीच उत्तरी बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का एक क्षेत्र बन गया। इसके प्रभाव से 27 अगस्त से पूर्वी राजस्थान में फिर से बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना। सत्ताईस और अट्ठाईस अगस्त को कोटा और उदयपुर संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने बुधवार को भी प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश के आसार जताए। सूरतगढ़ शहर में 23 कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मचा। आनंद फान में सूरतगढ़ प्रशासन ने मंगलवार, बुधवार तथा गुरुवार तीनों दिन तक संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी। उपखंड मजिस्ट्रेट मनोज कुमार मीणा ने लॉकडाउन के दौरान लोगों से सहयोग की अपील की। लॉकडाउन के मद्देनजर मंगलवार को शहर पूर्ण रूप से बंद नजर आया। सड़कें गलियां सब सुनी नजर आई। कानून व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस गश्त करती भी नजर आई। किशनगंज पंचायत समिति की क्षेत्र की ग्राम पंचायत मुख्यालय काकरदा में सोमवार को 12 मोरों की मौत हो जाने से सूचना पर क्षेत्र में हड़कंप मच गया। क्षेत्रीय वन विभाग कार्यालय को सूचना करने पर वन विभाग के कर्मचारी द्वारा काकरदा से सभी मृत मोरों को किशनगंज वन विभाग कार्यालय लाया गया। वन अधिकारी भूपेंद्र सिंह आडा ने बताया कि रेंज क्षेत्र के काकरदा गांव में सोमवार को मोरों के मरने की जानकारी मिलने पर वन विभाग की टीम द्वारा काकरदा के गांव के मौके पर पहुंचकर मृत मिले 12 मोरों को किशनगंज वन विभाग कार्यालय लाया गया। सरदार शहर में नगरपालिका की टीम ने मंगलवार को रोडवेज बस स्टैंड के आसपास अतिक्रमण हटाया। जो कि टीम मौके पर पहुंची तो व्यापारियों में हड़कंप मच गया। कुछ व्यापारी अपने आप अतिक्रमण हटाने लगे तो कुछ का सामान नगरपालिका की टीम ने हटाया। नगरपालिका की टीम जो ही अतिक्रमण हटाकर रवाना हुई तो पीछे से कुछ व्यापारियों ने फिर अतिक्रमण कर बैठे। इस अवसर पर योद जीवाराम कृष्ण, सहायक अभियंता सुनील सोनी, नायब तहसीलदार कुटवेंद्र कंवर, अनिल कुमार, पूर्णाराम पुरी आदि जाप्ते के साथ अतिक्रमण हटाया। बगरू विधायक गंगा देवी ने नेवटा बांध में नहरों में हो रहे सुदृढ़ीकरण कार्य का औचक निरीक्षण किया व अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। नहरों की खुदाई में हो रही देरी को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिया कि काम किसी प्रकार की लापरवाही और देरी से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बांध कभी भी तेज बारिश से भर सकता है। अगर समय पर नहरें खुदाई नहीं हुई तो पानी की आराम से चिरोटा बांध में पहुंच सकेगा और किसी भी दुर्घटना की संभावना नहीं रहेगी। विधायक गंगा देवी ने सभी ग्रामवासियों से अपील भी की। भीलवाड़ा के उपनगरपुर में जिंदल शो लिमिटेड की ब्लास्टिंग से प्रभावित मकान मालिकों के नए भूखंड आवंटन की प्रथम लॉटरी में मिले भूखंड आवेदकों को निर्धारित प्रपत्र जमा करवाने के लिए आज से नगर विकास न्यास द्वारा कैंप लगाया गया। यह कैंप राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 31 अगस्त तक लगाया जाएगा, जिसमें प्रथम लॉटरी में निकले 697 लोगों के प्रपत्र प्राप्त करने के लिए अगली लॉटरी के लिए आवेदन और क्षेत्रवासियों की समस्याओं को भी सुना जा रहा है। बांसुन क्षेत्र की ग्राम पंचायत छत्रपुर में कई वर्षों से आम रास्ते पर हो रहे अतिक्रमण को विकास अधिकारी गुलाब सिंह गुर्जर ने ग्रामवासियों से आपसी सहमति करवाकर आम रास्ते से अतिक्रमण हटवाया। अतिक्रमण की कार्रवाई करीब रात 9 बजे तक की गई। नल्लोर जिले में तबाव के विनायक नगर कस्बे में गणेश चतुर्थी गणेशोत्सव के उपलक्ष्य में ओपेश्वर युवा ग्रुप द्वारा एक शाम गणपति बप्पा के नाम विशाल भव्य जागरण का आयोजन हुआ। ओपेश्वर युवा ग्रुप के कार्यकर्ता द्वारा शाम की महाआरती व गणपति वंदना के साथ लाख लाख दिवले रियारती व महने रे जानो धनी शांति धनाथ महाराज धाम
व खेताराम जी रो मुकंद घोड़ो आदि भजनों पर देर शाम तक श्रद्धालुओं ने आनंद लिया। जोधपुर में भारतीय किसान संघ के बैनर तले मंगलवार को जोधपुर में प्रस्तावित किसानों के महापड़ाव में शामिल होने जा रहे तिवरी तहसील के किसानों को पुलिस प्रशासन ने तिवरी में ही रोक दिया। ये सभी किसान संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष माणकलाल परिहार के नेतृत्व में जोधपुर के लिए रवाना हुए थे। तिवरी पहुंचते इन किसानों को पुलिस चौकी के आगे रोक लिया। किसानों को रोकने के बाद किसान वहीं पर धरना देकर बैठ गए। जोधपुर के तिवरी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया गया। चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जितेंद्र बिश्नोई ने इस मौके पर आंगनवाड़ी से जुड़ी महिलाओं को भी सम्मानित किया। भिंडवाल में स्थानीय शहर के नाहर हॉस्पिटल के सामने से जेरन निवासी विजय कुमार पुत्र बाबूलाल दर्जी पत्नी के साथ में जेरन से भिंडवाल स्थानीय हॉस्पिटल में चेकअप करने आई। विजय कुमार हॉस्पिटल में जाते समय हॉस्पिटल के सामने बाहर बाइक खड़ी की, जिसका नंबर RJ46SG7706 होंडा साइन की बाइक थी। विजय ने बताया कि बाहर आते समय मेरी बाइक वहां पर नहीं मिली। जालौर जिले के बैराट गांव में एक प्रसूता के पहले दो बार भीनमाल में सिजेरियन ऑपरेशन में से डिलीवरी हुई। परिजन आनंद फानंद में कालंद्री CHC में लेकर आए। वहां पर डॉक्टर सुमेर सिंह भाटी ने सामान्य और सफल प्रसव करवाकर प्रसूता के लिए मसीहा साबित हुए। जालौर जिले के साधु गांव में गायत्री आश्रम के मठाधीश विष्णु स्वरूप जी महाराज के सानिध्य में 1 लाख वृक्षारोपण करने के ग्राम पंचायत साधु के सरपंच ने संकल्प लिया। वह 1 लाख पौधारोपण का संकल्प के साथ ही आज 5,000 पौधे विभिन्न प्रकार के लगाने की शुरुआत की। मोदरान के निकटवर्ती बासड़ा धानजी गांव में राजपुरोहित समाज के युवाओं द्वारा गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर बड़े उत्साह और उमंग के साथ भगवान गणपति बप्पा की स्थापना की गई। इस अवसर पर पंडाल में बैंड बाजे ढोल नगाड़ों के साथ गणपति बप्पा का नमन कर विराजमान किया। जोधपुर के ग्राम पंचायत बम्बोर में दर्जियान के मुख्य तालाब की दीवार पर स्थित तोलागिरी महाराज मंदिर प्रांगण में युवा फोर्स बम्बोर द्वारा मंदिर पर आने वाले भक्तों व ग्रामीणों के बैठने के लिए छाया की व्यवस्था करने के लिए बरगद के पौधे JCB मशीन द्वारा गड्ढे खोदकर लगाए। सेमारी कस्बे में ग्रामीण क्षेत्र में अब कोरोना से दबे पांव अपने पैर पर साधता जा रहा है। लगातार हो रही कोरोना जांच के दौरान बढ़ रही पॉजिटिव केसों की संख्या को देखते हुए लोगों में भय भी बढ़ता जा रहा है। ऐसा ही सेमारी कस्बे में पहला कोरोना पॉजिटिव केस आने पर ग्रामीणों में भय बढ़ गया। गत दिनों सेमारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सभी सुपर स्प्रेड्स की कोरोना जांच के लिए लगाए गए कैंप में कलेक्टर के लिए गए सैंपल में सेमारी कस्बे के गणपति चौक का 52 वर्षीय दुकानदार की रिपोर्ट रविवार को कोरोना पॉजिटिव आई। इसके बाद प्रशासन व सेमारी पुलिस ने मुस्तैदी के साथ कोरोना संक्रमित हुए दुकानदारों के घर की गली में 100 मीटर के दायरे को सील कर दिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।